एनडीटीवी के दफ्तर में इसको चिट्ठी छांटने की नौकरी मिली थी। चिट्ठी छांट के बताता था कि तब अब नई पीढ़ी नहीं जानती होगी, तब चिट्ठियां पोस्टमैन के द्वारा आती थी, तब उसके बाद ये यहाँ पहुंच गया। तो ये अपनी इन हरकतों से ये आज भी बताता है कि आज भी बुढ़ा गया है, इसके ऊपर नीचे सब जगह के बाल पक गए हैं, रंगे हाथ ये नंगा हो रहा, पकड़ा नहीं गया, रंगे हाथ नंगा हो रहा है। ये महाराष्ट्र जैसे प्रदेश को बता रहा है कि भूखा भूखा नंगा, लेकिन जो जो झारखंड गरीबी का रिकॉर्ड तोड़े हुए है, वहां पर 2,500 रुपए महिला को दिए जाएंगे हर महीने, उस पर ये नाच रहा है, मतलब हिजड़े शर्मा जाए। इसमें सर कुछ, चूंकि हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, तो इस जीत के बाद कुछ पारा पत्रकारिता भी हुई है, तो कुछ एक आध झलक उसका ले लेते हैं कि क्या क्या नैरेटिव ये लोग तय कर रहे हैं इस जीत के बाद। इन पारा पत्रकारिताओं को जरा देखिए कि कैसे कैसे नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह से कुछ चल रहा है। अजीब नहीं, तो फैसला सुप्रीम कोर्ट को अब तक दे देना चाहिए था, कोर्ट को जो भी सही या गलत लगता कह देना चाहिए था। वो चुनावी नतीजों से सही हो जाने का दावा किया जा रहा है, मुझे प्रदर्शन करती है यही असली शिवसेना असली एनसीपी होने के दावे के लिए अहम था। सुप्रीम कोर्ट से एनसीपी और शिवसेना में कौन असली है फैसला तो हुआ नहीं, लेकिन जनता के बीच होने की बात कही जा रही है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं जनता ने फैसला दे दिया, क्या अब कानून के मामले में फैसला जनता का सर्वोच्च माना जाएगा? पार्टी का टूटना तो कानूनी मामला है, सिंबल का मामला तो कानूनी मामला है। क्या यह अजीब नहीं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट को अब तक दे देना चाहिए था, कोर्ट को जो भी सही या गलत लगता कह देना चाहिए था, वो चुनावी नतीजों से सही हो जाने का दावा किया जा रहा है, मुझे प्रदर्शन करती है। इसके इसलिए लोग लिखे, देखो बलात्कारी का मतलब, इसके बलात्कारी भाई पर भी तो कोर्ट का फैसला नहीं आया है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही कह रहे हैं। और इस पारा का मामला यही तक नहीं है सर, ये पारा को जरा देखिए कि लाडली बहन योजना जो महाराष्ट्र का है उस पे 1500 रुपए की सहायता, जिस राज्य में इतनी गरीबी हो वहां पर हर महीने 1500 रुपए महाराष्ट्र में गरीबी है अहमियत रखती है, जहां इतनी गरीबी हो वहां सरकार खाते में 1500 रुपए डाल दे, इसका असर तो होना ही था। मतलब पहले आपको गरीब से गरीब किया जाए, फिर कुछ पैसे दे दिए जाएं, बाकी सरकार कैसे चला रहे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, 7 लाख करोड़ का घाटा है, कर्जा है, इन सवालों का काम केवल सवाल की जगह भरना रह गया है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना लॉन्च कर दी, मतदान से पहले 50 लाख महिला मतदाताओं के खाते में 4000 रुपए भेजे जा चुके हैं, दिसंबर से यह राशि 2500 प्रतिमाह कर दी जाएगी, इसका फैसला हो चुका है। किसानों के ऋण माफ किए गए, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा किया गया, 40 लाख परिवारों का 3500 करोड़ का बिजली का बकाया बिल माफ कर दिया गया, 40 लाख लोगों के लिए 1000 रुपए की पेंशन की घोषणा कर दी गई। कल्पना ने अपनी पार्टी की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक काफी ठीक से पहुंचाया। हेमंत और कल्पना की मेहनत ने इंडिया गठबंधन को झारखंड में बचा लिया। क्या बात है, ये पारा मतलब झारखंड जैसा राज्य, गरीब राज्य को अमीर बना दिया इसने, और महाराष्ट्र जैसे संपन्न राज्य को भिकमंगा बना दिया पारा ने। ये मनीष जी अक्सर बताता है जो अपने आपको बेचता है अपने अपने बेचारगी को, कि मैं 92 या 93 को साल बताता, साल मैं भूल रहा हूँ, कि मैं एनडीटीवी के दफ्तर में इसको चिट्ठी छांटने की नौकरी मिली थी। चिट्ठी छांट के बताता था कि तब अब नई पीढ़ी नहीं जानती होगी, तब चिट्ठियां पोस्टमैन के द्वारा आती थी, तब ये व्हाट्सएप और ईमेल नहीं होता था, तो ये चिट्ठी छांटा करता था, यानी चपरासी था ये, क्लास 4 कर्मचारी, और उसके बाद ये यहाँ पहुंच गया। तो ये अपनी इन हरकतों से ये आज भी बताता है कि आज भी बुढ़ा गया है, इसके ऊपर नीचे सब जगह के बाल पक गए हैं, लेकिन ये आज भी चिट्ठी ही छांटने लायक है, इसकी औकात चिट्ठी छांटने लायक है, ये चिट्ठी पढ़ने लायक नहीं है, ये पत्रकारिता करने लायक नहीं है। बहुत बेहतरीन आपने मनीष जी दिखाया कि बिल्कुल रंगे हाथ ये नंगा हो रहा, पकड़ा नहीं गया, रंगे हाथ नंगा हो रहा है कि ये महाराष्ट्र जैसे प्रदेश को बता रहा है कि भूखा भूखा नंगा कंगाल प्रदेश, वो 1500 रुपए कैसे देगा महिलाओं को, लेकिन जो जो झारखंड गरीबी का रिकॉर्ड तोड़े हुए है, वहां पर 2500 रुपए महिला को दिए जाएंगे हर महीने, उस पर ये नाच रहा है, मतलब हिजड़े शर्मा जाए, जो शादी ब्याह में ज्यादा पैसे पाकर नाचते हैं वो शर्मा जाए, इतना बुरी तरह नाच रहा है। तो ये आदमी पत्रकारिता के लिए कलंक है, कैसा कलंकित ये करता रहा, खैर उससे पहले तो